नमस्ते व्यूअर्स, मैं आपका स्वागत करती हूँ। प्रेम स्पर्शिता मेरा नाम है और मैं कुशीनगर ओशो आश्रम से बिलोंग करती हूँ। मेरी भी जिंदगी आपकी तरह ही शुरुआत हुई थी मेरी जिंदगी की, और जीवन के उतार चढ़ाव में मैं भी ऐसी फंसी कि कोई चारा न दिखा और जिंदगी खुद से हल होती मालूम नहीं पड़ी। और फिर मेरे जीवन में स्पिरिचुअलिटी आई, क्योंकि जब हम जीवन को स्वयं हल नहीं कर पाते हैं तो परमात्मा ही याद आता है और एक तड़प उठती है हमारे भीतर कि कुछ भी हमारे किए तो हो नहीं रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई है जो चला रहा है और हम मात्र निमित्त हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिंदगी जिधर जानी चाहिए उधर नहीं जाती, और जिधर अचानक मोड़ जाते हैं जिंदगी कुछ समझ नहीं आता। फिर मैंने स्पिरिचुअलिटी में कदम रखा और ओशो मेरे गुरु के रूप में मुझे मिले, और उसके बाद जैसे जिंदगी बदल गई, सब कुछ समझ आने लगा कि हम यहाँ हैं तो क्यों हैं, कैसे हैं, हमारी ही डिजायर्स, हमारे ही इमोशंस हमें किस भांति शरीर लेने पर विवश करते हैं, हमारी ही कामनाएं, हमारी ही इच्छाएं, हमारे ही डाले बीज हमें ये मनुष्य योनि लेने पर विवश करते हैं। और हमारा मूल उद्देश्य होता है स्वयं के हायर सेल्फ से जुड़ना, स्वयं के उस परम सत्ता को जानना जिन्हें ऋषियों ने कहा है तत्वमसि। जब तक हम जान नहीं लेंगे कि हम कौन हैं, कहाँ से आते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, तब तक हमारे जीवन की परेशानियां बनी रहती हैं। उसी के बाद ढूंढते ढूंढते जीवन के हल, ओशो ने ज्योतिष अद्वैत का विज्ञान है इस पर बोले है, दो सीरीज है उनकी, आपको कभी उनकी वीडियो मिले तो अवश्य सुनिएगा। उसके माध्यम से मुझे लगा कि ज्योतिष ही वो शास्त्र है जो मुझे इस अद्वैत की यात्रा में सहयोग करेगा, और फिर मैंने यूट्यूब पे स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी ढूंढना शुरू किया, और इसी के माध्यम से मुझे एक ऐसे गुरु मिले जिन्होंने मेरी जिंदगी बदल के रख दी। मैं बात करती हूँ आज एस्ट्रो इंटेलिजेंस के संस्थापक डॉक्टर अजय शाही जी की, जिनके स्पिरिचुअल मोटिवेशनल वीडियोज ने मेरी आंखें खोल दी, और ऋषियों का जो असली वैदिक ज्योतिष है वो मेरे जीवन में आया और मेरी जिंदगी बदल गई। वाकई मैं समझ ही नहीं पाती थी कि जीवन इतने उतार चढ़ावों से कैसे भरा है। उनको सुनते सुनते ज्योतिष में इंटरेस्ट बढ़ा और मैंने फिर बेसिक फाउंडेशन कोर्स में उनसे बहुत कुछ सीखा, फिर मैंने एडवांस कोर्स भी किया और एस्ट्रोलॉजी की एक छात्रा बनी, और मैं अपने गुरु के सानिध्य में आज भी सीखती रहती हूँ। तो आज हम चर्चा करेंगे इस विषय पे कि आखिर हमें मारक और बाधक प्लेनेट से डरने की आवश्यकता है या उन्हें समझने की। आज जितनी भ्रांतियां हमारे नए युग में नए ज्योतिषियों ने डाली हुई हैं, हमें डराया हुआ है, तो क्या सचमुच हमें डरना चाहिए या ऋषियों के माध्यम से हमें उसे समझना चाहिए, वो हमारे जीवन में, हमारे जीवन के विकास में किस भांति सहयोगी हैं। हम आज ही इस विषय पे चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रो इंटेलिजेंस के संस्थापक डॉक्टर अजय शाही जी। आइए हम मिलकर उनसे स्वागत करते हैं और इस विषय पे गूढ़ चर्चा करते हैं। तो हम मिलते हैं डॉक्टर अजय शाही। गुड मॉर्निंग। धन्यवाद साध्वी स्पर्शिता जी। ठीक है, गुरु शिष्य का नाता, जो मतलब बात आपने कही वो एक अलग बात है, मगर असल में हम सभी शिष्य ही है। परमात्मा हमारा गुरु है और परमात्मा के थ्रू जो नॉलेज हम सब तक पहुंचती है वो ही एक माध्यम है कि हम इस अद्वैत से द्वैत की और द्वैत से दोबारा अद्वैत की यात्रा करते हैं। यानी कि शुरू में हमारे सामने एक प्रश्न होता है और उस प्रश्न के हमेशा आप देखोगे दो ही आंसर्स मिलते हैं, यानी कि एक आंसर आपको उस डायरेक्शन की तरफ ले जाएगा और दूसरा आंसर आपको बिल्कुल दूसरे रास्ते पर ले जाएगा। शुरू में प्रश्न एक होता है, प्रश्न के उत्तर दो होते हैं और उन्हीं दोनों के ऊपर हमें किसी एक की यात्रा पकड़नी पड़ती है, क्योंकि हमारी बुद्धि का सोचने का तरीका सिर्फ ये ही है और हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि हम या तो उस चीज को यस करेंगे या नो करेंगे। अब आज का जो क्वेश्चन आपने उठाया ये एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मगर मेरे को मालूम है कि आज भी इतने सालों के बाद, इतनी वीडियोस देने के बाद, इतने लोगों को समझाने के बाद ये क्वेश्चन अभी भी समाज में उसी तरह पड़े हैं। लोगों को एक्चुअल रियलिटी के आंसर्स नहीं मिल पा रहे, क्योंकि समाज में क्या है, भ्रांतियां फैलाई जाती हैं,
क्योंकि आजकल या पिछले 100-150 साल से एस्ट्रोलॉजी का प्रोग्रेस नहीं हुआ एस्ट्रोलॉजी, बल्कि मैं एक बात कहता हूँ कि हम लोग टेक्निकली या जैसे हम कह रहे हैं क्योंकि साइंस ने क्योंकि प्रोग्रेस बहुत करी है तो साइंस की एडवांसमेंट तो हुई, एडवांसमेंट का नतीजा क्या हुआ कि हमने एस्ट्रोलॉजी को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया। ऋषियों ने जो एस्ट्रोलॉजी का शास्त्र हमें दिया था ये बहुत सिंपल था, बहुत सरल था, मगर बहुत डीप था। अब ऋषियों का काम करने का तरीका बड़ा डिफरेंट है। ऋषि बात करते हैं एक ऐसे लेवल पर जिसको हम साधना का लेवल कहते हैं, ऋषि साधना के लेवल पर बोलते हैं, मगर हम लोग जो बिल्कुल अभी बेस लाइन पे नीचे बैठे हैं हम लोग उनके बोली गई चीजों को अपने तरीके से उसका मतलब निकालने की कोशिश करते हैं और वो फिर बात वही होती है कि जिसको जो अच्छा लगता है वो उसका मतलब वो निकाल लेता है। और पिछले 100-150 साल में क्योंकि मेटीरियलिज्म की एडवांसमेंट हुई तो उसमें पैसे का खेल तो आना ही था, जब पैसे का खेल आना था तो साथ में डर का खेल तो आना था क्योंकि फियर और ग्रीड ये दो चीजें हैं जिसके ऊपर हमारा अर्थशास्त्र टिका हुआ है। तो लोगों को एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से भी डराने का खेल चला। मगर चलिए अब किसी ने क्या किया हम उस चीज में नहीं जाते, हम इस सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट में चलते हैं कि ऋषियों का मारक और बाधक प्लेनेट के बारे में उनके विचार क्या है। अब यहां पर मैं आपको थोड़ा सा पुरानी बातें थोड़ी याद भी आपको करवा देता हूँ, क्योंकि होता क्या है हम कुछ प्लैनेट्स को ले लेते हैं कि ये प्लैनेट्स हमारे बेनिफिट यानी कि शुभ है और कुछ प्लैनेट्स को हम मान लेते हैं कि ये अशुभ प्लैनेट्स हैं, ये बुरे प्लैनेट्स। अब अच्छे प्लैनेट्स में दो गुरु हैं हमारे पास, जैसे शुक्र है जो बड़े गुरु हैं जिसे मैं हमेशा जीवन का देवता कहता हूँ, और दूसरे गुरु हैं जो ज्ञान के देवता हैं, दैट इज बृहस्पति। ये दो गुरु ये तो हमेशा शुभ होंगे। और उसके बाद बेनिफिट प्लैनेट्स की लिस्ट में अगर आप देखोगे और कुछ बहुत ज्यादा आपको मिलने वाला नहीं। सूर्य और चंद्र को हम ऐड तो कर लेते हैं मगर साथ ही में एक लाइन ऐड कर देते हैं कि ये दुख तो दे सकते हैं, आपके लिए परेशानी तो खड़ी कर सकते हैं, बट इनको कभी भी बाधक का या बुरे का हम तमगा नहीं लगाएंगे, लेबल नहीं लगाएंगे। सूर्य बुरा फल दे सकता है, चंद्रमा बुरा फल दे सकता है, मगर इसको हम बुरा लेबल नहीं करेंगे, तो इसको हम शुभ ही मान लेते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है, ये कहीं ना कहीं कन्वीनियंस का खेल हो गया। फिर हम शुभ में थोड़ा सा बुध को ले लेते हैं कि अगर बुध किसी शुभ प्लेनेट के साथ बैठा है तो मरकरी वो शुभ हो गया। अब बाकी जितने भी प्लेनेट्स हमारे हैं उन सभी को हम मैलेफिक में डाल देते हैं यानी के अशुभ में डाल देते हैं। सो और उसकी लिस्ट आप देखिए कहीं ना कहीं इस लिस्ट से कहीं बड़ी हो जाती है। तो इससे लोगों के दिमाग में एक चीज आती है कि परमात्मा ने जो प्लैनेट्स बनाए तो उन्होंने तो प्लैनेट्स बुरे बना दिए, ज्यादा बुरे प्लैनेट्स बना दिए, और उसके बाद ये मारक बाधक का खेल शुरू हो जाता है। उसके बाद एक और खेल शुरू हो जाता है और वो क्या है, हम अपने कुंडली में जो भाव हैं उन भावों को भी बुरे भावों के साथ लेबल कर देते हैं। सबसे पहले तो हम 6-8-12 को, क्योंकि ये दो स्थान है इनको बैड हाउसेस, देखिए 6-8-12 इनको बुरा बोल दिया। उसके बाद 2-7 इनको मारक बाधक निकाल दिया। अच्छा उसके बाद उपचय हाउसेस को, वो कौन से इनमें से जो बच गए वो 3rd house ले लिया, 6th house ले लिया, 11th house उनको भी बुरा ले लिया। तो ओवरऑल चार्ट में देख लीजिए आप, प्लैनेट्स की लिस्ट उठाकर देख लीजिए, लोगों के जहन में एक चीज आनी शुरू हो जाती है कि ये परमात्मा ने कैसी दुनिया बना दी। ये तो एक तरीके से जहन में ये बात आती है कि जो हमें जीवन मिला ये तो दुख देने के लिए मिला, और ऊपर से जो हमारे आजकल के एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो डराने का खेल करते हैं, तो लोगों को ये लगना शुरू हो जाता है कि भाई जीवन तो दुख का ही है। और साथ में ये भी उनको लगना शुरू हो जाता है कि परमात्मा ने ही जब प्लेनेट ही बुरे बनाए तो हमारा जीवन तो बुरा ही है, हमारे जीवन में अच्छा कैसे हो सकता है। मगर यहाँ पर ऋषियों का कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट है। ऋषि कभी नहीं बोलते
कि कोई प्लेनेट अशुभ है। ऋषि कभी नहीं कहते कि कोई चीज बुरी है, क्योंकि परमात्मा द्वारा बनाई गई कोई चीज बुरी तो हो ही नहीं सकती। परमात्मा हर चीज को एक डिफरेंट तरीके से, एक डिफरेंट लॉजिक, क्योंकि आजकल साइंस का युग है, साइंस में फिलॉसफी और साइंस जब ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी का रास्ता खुल जाता है। अब आप देखिए, कोई भी चीज जिसको हम बुरा कहते हैं, क्यों बुरा कहते हैं, कि हमें लगता है कि लॉजिकली उसके रिजल्ट्स हमें थोड़े से बुरे मिल रहे हैं, हालांकि वो चीज बुरी नहीं है। अब सूर्य देखा जाए, सूर्य तो हमारी आत्मा है, अब आत्मा बुरी कैसे हो सकती है? मगर अब एक बात है, दूसरे एंगल से, तार्किक दृष्टि से देखा जाए तो दूसरे तरीके से भी हमें समझ आ सकता है कि भाई आत्मा का फायदा कि आत्मा कुछ करती तो है नहीं, करने के लिए हमें मशीन तो शरीर के रूप में मिली, और दूसरा हमारे शरीर को चलाने वाली ड्राइवर एनर्जी वो चंद्रमा है। सो काम करने वाले तो प्लैनेट्स कौन से? या तो हमारा शरीर हुआ या चंद्रमा द्वारा, जिसको हम ड्राइवर बोल देते हैं कि क्या वो हुआ, तो आत्मा का तो बेनिफिट क्या हुआ? सो अब आपके पास एक फ्रीडम, थॉट्स की फ्रीडम आ गई, क्या आप उस एनर्जी को अच्छे बुरे में लेबल कर लो? ये हमारी तार्किक बुद्धि का खेल है कि हम अच्छे और बुरे में जाओ। अब वैसे आप देखिए, सूर्य तो सूर्य है, सूर्य सुबह आएगा तो सूर्य तो अपनी गर्मी साथ में लेकर आएगा, मगर उसी सूर्य की गर्मी से हमारे जितने रोगाणु हैं, बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, ये किल भी तो होंगे, मगर ये भी एक बात है कि भाई हीट भी आएगी। सो आजकल गर्मियों का है, आपके ऊपर भी पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, तो इधर भी ऐसे, तो हम सूर्य से बचने के लिए ये आर्टिफिशियल अरेंजमेंट कर लेते हैं। मगर अगर हम कहें कि सूर्य बुरा है, तो ये तो तरक्की दृष्टि से तो ठीक नहीं है। हाँ, उसका जो इस्तेमाल की बात है कि हम सूर्य के पास नहीं जा सकते, सूर्य के पास जाएंगे तो जल जाएंगे। अब ये ही सूर्य आपके किसी भाव में आएगा तो उस भाव की सिग्निफिकेशंस को जलाएगा, उसकी हीट तो फील होगी, और यही होता है, एक प्लेनेट जब सूर्य के पास आ जाता है तो कंबस्ट हो जाता है। तो सूर्य बुरा नहीं है, ना ही परमात्मा का सूर्य को बनाने के पीछे कोई बुरा मोटिव है। मोटिव बुरा नहीं है, सिर्फ क्या है कि उसका लॉजिक और उसका यूज वो डिफरेंट हो जाता है। हमें कब किस चीज की जरूरत है? अब आप देखिए, घर में बीमारी बढ़ती है तो हम क्या कहते हैं, भाई अब खिड़कियां खोल दो, सूर्य को आने दो, क्योंकि सूर्य के बिना घर के बीमारियों को खत्म करना या कीटाणुओं को खत्म करने का और कोई एजेंट नहीं है। तब देखिए, तब हम मजबूरी में कह लीजिए या उस सूर्य की शुभता को अपने अंदर ला रहे हैं, और वैसे हम सूर्य से भागते रहते। तो ये ही खेल चला, खेल हमने अपनी बुद्धि से खेला, क्योंकि हम अपनी बुद्धि से ही चीजें क्रिएट करते हैं, और जब बुद्धि से खेल खेला गया तो उसमें अच्छे बुरे का तो आना ही था। सो यहाँ पर अब मैं आपके रेफरेंस के लिए एक टेबल आपके साथ शेयर कर देता हूँ, वो दर्शकों के लिए भी बेनिफिशियल होगा, जिसमें हम लोग ये समझ पाएंगे कि कौन सी राशि, कौन से लग्न में कौन से प्लैनेट्स बेनिफिक हैं, कौन से मैलेफिक हैं, कौन से न्यूट्रल हैं, कौन से बाधक हैं, कौन से मारक हैं। अब ये आप मतलब यानी कि ये आप भी देख सकते हो, सभी दर्शक भी इसको देख सकते हैं कि मारक बाधक पर्टिकुलर राशि में कौन कौन से प्लैनेट्स हो जाते हैं। जब हम इस तरीके से चीज को देखते हैं तो पिक्चर बाहर से देखने में कुछ और लगेगी आपको। अब इसका कॉन्सेप्ट मारक बाधक का क्या है, ये भी कॉन्सेप्ट मैं आपको थोड़ा सा मतलब समझा देता हूं, और उसका लॉजिक आप अपने तरीके से भी निकाल सकते हो। अब ये जो मारक और बाधक का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमें जन्म मिलता है तो उसे हम बोल देते हैं कि जन्म के लिए ये लग्न है हमारा, क्योंकि वो बर्थ के साथ रिलेट करती है बात, क्योंकि बर्थ में हमें शरीर मिला तो वो हमारा लग्न हो जाता है, यानी कि फर्स्ट हाउस हो जाता है, प्रथम भाव हमारा लग्न हो गया, राइट। अब ये तो बिल्कुल सीधी बात है, मगर कुछ चीजें अब इसमें ऐसी हैं जिसको हम डेथ के साथ एसोसिएट करते हैं। डेथ के लिए हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले एट्थ हाउस को, अष्टम को देखते हैं, क्योंकि उसे हम क्या कहते हैं, ये लॉन्जिविटी का भाव है, आयुष का भाव। तो लॉन्जिविटी का भाव अगर अष्टम लॉन्जिविटी का है तो उसका ट्वेल्थ, ट्वेल्थ का मतलब क्या हुआ कि उस आयु का, उस लॉन्जिविटी का लॉस
वो कौन सा भाव हुआ? उसका ट्वेल्थ भाव, वो सप्तम हुआ, सेवंथ। तो सेवंथ को हम कहीं ना कहीं उस मारक बाधक की श्रेणी में ले आते हैं। इसी तरीके से जो सेकंड इसके साथ डेफिनेशन आगे जाती है, अष्टम का अष्टम, भवद्भवम में आप ले लीजिए, अष्टम का अष्टम कौन सा हुआ? वो थर्ड हाउस हो गया। अब थर्ड हाउस का भी जब हम ट्वेल्थ लेते हैं तो वो सेकंड हाउस हो जाता है। सेकंड हाउस, तो सेकंड और सेवंथ को हम लोग क्या है, मारक बाधक की श्रेणी में डाल देते हैं। मगर अब आप यहाँ पर दूसरा लॉजिक साथ में पकड़िए, ये कहीं ना कहीं रिवर्स लॉजिक है। अब सीधा लॉजिक अगर देखेंगे, क्योंकि ये तो हम उल्टे से चीज को निकाल रहे हैं, अब सीधा लॉजिक पकड़ोगे तो सेकंड हाउस क्या है? सेकंड हाउस तो आपका गेन है, आपकी फैमिली का, आपके परिवार का भाव है, आपके धन का भाव है, आपको बढ़ाने वाला भाव है। देखिए डायरेक्ट लॉजिक में जो चीज हम बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, गेन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, रिवर्स लॉजिक में हमने उसे क्या किया, हमने उसे मारक बाधक की श्रेणी में डाल दिया। अब सेम वे, अब आप देखिए अष्टम तो साधना का घर है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट मेरा सब्जेक्ट, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी हम दोनों का सब्जेक्ट है, हम दोनों के लिए तो अष्टम भाव ये सबसे बढ़िया भाव है। मगर ठीक है, लोगों के लिए ये बड़ी बीमारियां भी हैं, उसमें एंसेस्ट्रल इश्यूज भी हैं, बड़ी चीजें भी हैं, मतलब ये अष्टम डिफिकल्टी है और बड़ी डिफिकल्टी का भाव है, क्योंकि बड़े वाला दूस्थान है, क्योंकि ये छठे से थर्ड हो जाता है, छठा पहला दूस्थान है, ये छठे से थर्ड हो जाता है, यानी थर्ड का एफर्ट हाउस, तो इसको हम बड़ा थोड़ा सा दूस्थान मान भी सकते हैं, मगर सबके लिए तो ये दूस्थान नहीं है। ठीक है, जिसके लिए दूस्थान है अगर उसको भी हम ले लें, तो दूस्थान का अगर हम गेन हाउस की बात मतलब करेंगे तो गेन हाउस तो उसके लिए नाइन्थ हो जाएगा। अब यहाँ पर रिवर्स लॉजिक अगर हम लेते हैं तो रिवर्स लॉजिक में सेवंथ को हमने बाधक बनाया, मगर अब ये तो किसी भी इंसान का पार्टनरशिप का भाव है, किसी भी इंसान के लिए स्पाउस शादी के लिए, वर को कन्या देखनी है, कन्या को वर देखना है, दोनों के लिए एक दूसरे का वो एग्रीमेंट, उस कॉन्ट्रैक्ट का जो एक दूसरे के साथ आदमी बनाता है, ये तो उसका भाव है। अब आप देखिए यहाँ भी एक तरीके से गेन है कि आदमी का परिवार बन रहा है, कि उसके जीवन में एक प्यार और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करने के लिए एक दूसरा इंसान उसकी लाइफ में आ रहा है। तो देखा जाए तो उसमें बुरी चीज तो कोई थी नहीं। अब ऋषियों का लॉजिक एक तरीके से चल रहा था, मगर जब हमने उसी लॉजिक को रिवर्स करके देखने की कोशिश की तो रिवर्स लॉजिक में कहानी बदल गई। मगर अब यहां पर ये जो मैंने मगर या जो बट शब्द लगाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में लॉजिक कहां ये लग सकता था, सोचिए ऋषियों का लॉजिक कहां लग सकता था? ऋषियों ने लॉजिक बिल्कुल सही लगाया हुआ है, ऋषियों ने लॉजिक आपकी लॉन्जिविटी से नहीं लगाया, अष्टम से अष्टम पे नहीं लगाया। ऋषियों ने लॉजिक कहां लगाया? ऋषियों ने लॉजिक लगाया आपके बर्थ के ऊपर, आपके लग्न के ऊपर, आपके बर्थ हाउस के ऊपर लगाया, कि बर्थ हाउस का ट्वेल्थ ये आपका रिलीज हाउस है। उन्होंने नहीं कभी भी बोला आयुष एक अलग चीज है, डेथ एक अलग चीज है, मगर हमने आयुष को डेथ के साथ रिवर्स लॉजिक में जोड़ लिया और उसी के साथ हम अपने तरीके से लॉजिक आगे निकालते चले गए। ये जो खेल है ये खेल बुद्धि का है, ये परमात्मा का खेल नहीं है, ये ऋषियों का खेल नहीं है,